हरियाणा के पानीपत जिले से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में घुसकर महिला को गोली मार दी। किसी ने मदद नहीं की तो महिला घर का ताला लगाकर खुद ही करीब 20 मिनट तक 350 मीटर पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंची। जिले के बपोली में दो हमलावरों ने घर में घुसकर एक महिला को गोली मार दी। एक गोली महिला के सीने व एक गोली कमर में लगी है। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। 35 वर्षीय महिला लहूलुहान हालत में नीचे उतरी और गली में शोर मचाकर गोली मारे जाने की बात बताई। उसने पड़ोसियों से बस अड्डे तक छोड़ने के लिए मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। जब किसी ने उसकी मदद नहीं की तो वह घर का ताला लगाकर खुद ही करीब 20 मिनट तक 350 मीटर पैदल चलकर बस स्टैंड पहुंची। वहां से ऑटो किराए पर लेकर 12 किलोमीटर पानीपत सिविल अस्पताल पहुंची। वहां उसे रोहतक रेफर कर दिया गया। परिजनों ने उसे निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पानीपत की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी महिला के भाई संदीप ने बताया कि उसकी बहन रंजना की शादी 15 साल पहले बपोली निवासी राजकुमार पुत्र मदनलाल से हुई थी। 8 साल से बहन व उसके पति के बीच मनमुटाव चल रहा था। रंजना ने कोर्ट में पति पर खर्च व तलाक का केस डाल रखा है। पति ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया था। कोर्ट के आदेश पर रंजना करीब 3 साल से ससुराल में पहली मंजिल पर बने कमरे में रह रही थी। राजकुमार मोबाइल रिचार्ज का काम करता था। इसके बाद वह सोनीपत में तारानगर में किराए पर रहने लगा। संदीप का आरोप है कि राजकुमार ने दूसरी शादी कर ली और वह उसी के साथ रहता है। 4 माह से माता पिता भी सोनीपत में उसके साथ रह रहे हैं। बपोली SHO ने बताया कि सोनीपत स्थित राजकुमार के घर पर पहुंची। राजकुमार घर से फरार है। रंजना की 13 वर्षीय बेटी करनाल में पढ़ती है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।